हेलो स्टूडेंट्स, आज असं स्टार्ट करन जा रहे हैं क्लास 10th दा चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस। सो जिद्दां कि आपां अपने पिछले लेक्चर्स दे विच पढ़िया सीगा कि लाइफ प्रोसेसेस लिविंग बीइंग्स दे डिफरेंट डिफरेंट साडे कोल प्रोसेसेस इन्वॉल्वड हुंदी है, जिहदे च कि आपां अपने पिछले लेक्चर च डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग द न्यूट्रीशन और न्यूट्रीशन इन एनिमल्स, न्यूट्रीशन इन ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ते न्यूट्रीशन इन प्लांट्स। सो अज दे बच्चों आपां लेक्चर दे विच अगे स्टार्ट करन जा रहे हैं इन द रेस्पीरेशन। सो बच्चों जो रेस्पीरेशन है, सब तो पहले आप डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रेस्पीरेशन की होंगे। इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सबस्टांसिस, ऑक्सीडेशन हो रही है फूड सबस्टांसिस की। सो बच्चे ऑक्सीडेशन अपने आप एक प्रोसैस है और ये की इनवॉल्व हों, ऑक्सीजन इनवॉल्व हों, इस करके नाम भी की पे ऑक्सीडेशन। TION तो आप याद रख सकते हैं प्रोसैस है, ऑक्सी वर्ड इज़ रिलेटेड टू ऑक्सीजन। सो मीनस के इदा दोसैस जिद ऑक्सीजन यूज हो रहा है और किस लिए यूज हो रहा है, ताकि फूड सबस्टांस की ऑक्सीडेशन हो, मतलब कि फूड सबस्टांस डिग्रेड हो रहा है, यूज हो रहा है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इन लिविंग सैल्स। सो अगर असी गल करिए कि फूड सबस्टांस टुट रहा है तो असी की पढ़ते सीगे कि जो भी कोई वड्डी तो छोटी चीज़ टुटती तो हमेशा एनर्जी की होंगी है रिलीज आउट होंगी है। सो इस करके जो फूड की ऑक्सीडेशन होंगी तो एनर्जी की हो रही है रिलीज आउट हो रही है। सो रेस्पीरेशन की डेफिनेशन की हुई, इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सबस्टांसिस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इन लिविंग सैल्स। सो एनर्जी रिलीज हो रही है और वो कि रिलीज होंगी है लिविंग सैल्स के। सो बच्चे इस प्रोसैस के होंगे जोड़ा भी फूड है बेसिकली वो की है ग्लूकोज, ऑक्सीजन के नाल यूज करके वह कि ब्रेकडाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि साड़ी बॉडी लिए वेस्ट है, वॉटर जो साड़ी बॉडी के ब्लड च ऐड हो जाएगा, प्लस एनर्जी जो साड़ी बॉडी दे विच जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ लिए यूज़ हो जाएगा। सो अगर असी इनू कंपेयर करिए तो जो रेस्पीरेशन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस च फूड बनता है प्लांट दे विच, रेस्पीरेशन च उसे फूड नू खा के एनर्जी बनती है ह्यूमन्स दे विच। तो फोटोसिंथेसिस च की हुंदा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है यूजिंग सनलाइट एनर्जी की बना रहा है ग्लूकोज ते ऑक्सीजन। सो जो प्लांट्स का वेस्ट है वह साडे लिए की है, वह साडे लिए फूड है, चाहे उहदे च असी ग्लूकोज कह लिए चाहे उहदे च असी ऑक्सीजन कह लिए। सो ग्लूकोज असी लैंदे आ थ्रू फूड और ऑक्सीजन साडी बॉडी दे विच एंटर करता है थ्रू लंग्स। नैक्सट, सो बच्चो रेस्पीरेशन जो है यह साडे कोल असी दो स्टेजेस दे विच डिवाइड करते हैं। दो स्टेजेस किहड़ियां होंदियां, एक है एक्सटर्नल रेस्पीरेशन जिहनू असी कहिंदे हां ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीनस असी ऑक्सीजन लै रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज आउट कर रहे हैं। दूसरी है बच्चों साढ़े को इंटरनल रेस्पीरेशन, इंटरनल रेस्पीरेशन मीनस जो साड़ी बॉडी के अंदर हो रही है। सो साड़ी बॉडी के मेन असी कही तो रेस्पीरेशन के कौन इनवॉल्व होएगा, बॉडी के सैल्स। सो सैलूलर रेस्पीरेशन भी आप इस करके इनू कहने हैं। और ये जो इंटरनल रेस्पीरेशन है ये दो तरह की होंगी है, इट कैन बी एरोबिक, इट कैन बी एनरोबिक। सो एरोबिक वर्ड बच्चों जो आया है एरो, एरो वर्ड मीनस एयर। सो इदा की रेस्पीरेशन जिदे एयर चाहिए है, या असं ये कह सकते हैं कि वह रेस्पीरेशन जिदे की चाहिए है ऑक्सीजन चाहिए है। दूसरी साइड आ गया साढ़े को एन एरोबिक रेस्पीरेशन। सो एन एरोबिक मीनस एन मीनस विदाउट, विदाउट एयर। सो विदाउट एयर वाली कि हुई वो रेस्पीरेशन विच कैन टेक्स प्लेस इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो बच्चों एक चीज़ा ध्यान च रखनी है कि अगर आप गल करिए स्टेजेस ऑफ रेस्पीरेशन की, कितनी स्टेजेस द रेस्पीरेशन दी, दो, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। अगर असी गल करिए टाइप्स ऑफ रेस्पीरेशन तो वह असी कहांगे वह भी दो है, एक एरोबिक और एक एनरोबिक। सो नैक्सट स्लाइड के हम आप देखते हाँ कि एक्चुअल एक्सटर्नल तो इंटरनल रेस्पीरेशन कि होंगी है। सो बच्चे ये है साढ़े को एक्सटर्नल रेस्पीरेशन। एक्सटर्नल रेस्पीरेशन की इनवॉल्व है साडे को नोज तो लैके लंग्स तक का पोर्शन। सो जिहड़ी भी ऑक्सीजन आप लै रहे हैं वो असी कितों लिती, एनवायरमेंट तो, और एनवायरमेंट तो जिहड़ी वह नोज तो पास होकर कितने तक चली गई साडे को लंग्स तक। सो इहदे विच साडी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ किहड़ा पार्ट इनवॉल्व है, लंग्स तक का सिस्टम इनवॉल्व है, साडी बॉडी के ब्लड तक नहीं हजे तक ऑक्सीजन गई। सो इस करके आप इनू की कहने एक्सटर्नल रेस्पीरेशन। एक्सटर्नल रेस्पीरेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स, इतने तक का काम हो रहा है। उस तो बाद आ गया इंटरनल रेस्पीरेशन। इंटरनल की हुई जेड़ा हुन साडे कोल लंग्स दे विच ऑक्सीजन पहुंच गई है, लंग्स ने हुन ऑक्सीजन कित्थे भेज देनी है, बॉडी दे सैल्स च।
ਸੋ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਦ ਸੈਲਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੈਕਸਟ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਉਹ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਦ ਲੰਗਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਏਅਰ ਐਂਡ ਦ ਲੰਗਸ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਅਤੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰੀਥ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲੂਲਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲੂਲਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਪਾਉਣ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸੈਲੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਲੂਲਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਸੈੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਰੋਬਿਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨਰੋਬਿਕ ਸੋ ਐਰੋਬਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਐਨਰੋਬਿਕ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ ਅੱਧੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਨਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ 'ਚ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੀਥ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ 38 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਏਟੀਪੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ 38 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਏਟੀਪੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਵਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰ ਵਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਐਨਰੋਬਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਨਰੋਬਿਕ 'ਚ ਕੀ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਟੂ ਇਥੇਨੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਟੂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਏਟੀਪੀ ਓਨਲੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਟਾਈਮਸ ਮੋਰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਇਨ ਦ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਓਨਲੀ 280 ਸੋ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 38 ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਥੇ 2 ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪਰ ਐਨਰੋਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫੂਡ ਦੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਵਰਵਿਊ ਕਿ ਕਿਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਫੂਡ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਔਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫੂਡ ਹੈ ਫੂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ 'ਚ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਏ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਗਲਾਈਕੋਲਿਸਿਸ ਸੋ ਗਲਾਈਕੋਲਿਸਿਸ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਇਰੂਵੇਟ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 2 ATP ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਜਾਂ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ
अगर अगे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, एरोबिक मीनस ऑक्सीजन है, तो यही साढ़े को जो पायरूवेट तो अगे साढ़े को बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो वॉटर इन माइटोकॉन्ड्रिया। जिदा कि बच्चों तुम छोटी क्लासेस भी पढ़िया होना है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सैल है, एनर्जी करंसी ऑफ द सैल है, क्योंकि उत्थे बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन होंगी है। उत्थे पर्टिकुलर साढ़े को ऑक्सीजोम्स है, इदा दॉडीज़ प्रजेंट होंगे जो कि ऑक्सीडेशन के इनवॉल्व है। सो वह हैल्प करती ने फॉर मोर एनर्जी प्रोडक्शन। तो वह किन्ने ए टी पी मोलीक्यूल्स बनाते हैं? 36 ए टी पी मोलीक्यूल्स साढ़े को बनते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो अगर असी गल करिए ग्लूकोज तो पायरूवेट तक दो बने हैं, वो तो अगर साढ़े को माइटोकॉन्ड्रिया 36 बने हैं, तो टोटल किन्ने हो गए साढ़े को 38 ए टी पी मोलीक्यूल बन रहे। उसकी बजाय अगर असी गल करिए कि उत्थे एनरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, सो एनरोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रही मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, सो उत्थे की होएगा एनिमल्स दे विच की बनेगा लैक्टिक एसिड। सो लैक्टिक एसिड बनता है जिस दे, उस दे नाल नाल साडे कोल एनर्जी दे किन्ने मॉलिक्यूल्स बने 280s। इसे करके बच्चों जो आप विगरस एक्सरसाइज करते हैं, असं कहने कि बहुत फास्ट असं रनिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज बहुत स्ट्रेस्ड वाली कर रहे हैं, तो वो की होंगे साड़ी बॉडी के क्रैम्प्स पै जाते हैं। सो उसका रीज़न की है कि एक्चुअल जो असं इन्नी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो जिनी बॉडी नू रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वह बॉडी के एंटर नहीं कर पाती। सो एज अ रिजल्ट की होंगे कि जो बॉडी के एंटर नहीं कर रही तो बॉडी की हो गई डेफिशिएंसी हो गई ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई तो की होएगा साढ़े को जो फूड है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। सो उत्थे केड़ी रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी? एनरोबिक रेस्पिरेशन। और एनरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज की दे विच साढ़े को बनना शुरू हो जाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के नाल नाल जिहड़ी एनर्जी है वह बहुत घट मिलेगी 280s। एज अ रिजल्ट जो बॉडी है उहदे विच की फील होंगे? क्रैम्प्स फील होने शुरू हो जाएंगे। अलोंग विद दैट अगर यही प्रोसेस साढ़े को प्लांट्स के चल रही है, सो पायरूवेट तो एनरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स के बनेगा इथेनोल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट